अटल बिहारी वाजपेयी के निधन का समाचार फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। सबसे पहले वाजपेयी के निधन से भावुक होते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर का सहारा लिया और अपनी भावनाओं को कुछ यूं व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं निशब्द हूं, शून्य में हूं, लेकिन भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। अपने जीवन का प्रत्येक पल उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट को महज 8 मिनट के भीतर 4,500 से भी ज्यादा लोगों ने रिट्वीट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा बैक टू बैक कई और ट्वीट किए और अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्विटर का सहारा लिया और अपनी भावनाएं व्यक्त की। अमित शाह ने भी बैक टू बैक कई ट्वीट किए और अपनी भावनाओं को जाहिर किया। अमित शाह ने लिखा, अटल जी के विचार, उनकी कविताएं, उनकी दूरदर्शिता और उनकी राजनीतिक कुशलता सदैव हम सबको प्रेरित और मार्गदर्शित करती रहेगी। भारतीय राजनीति के ऐसे शिखर पुरुष को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूं और ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम शांति शांति शांति। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अटल जी के नेतृत्व को याद करते हुए लिखा, अटल जी की छवि इस देश के एक ऐसे जनप्रिय राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरी थी जिसने सत्ता को सेवा का माध्यम माना और राष्ट्र हितों से समझौता किए बगैर बेदाग राजनीतिक जीवन जिया। यही वजह रही कि देश की जनता ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक सीमाओं से बाहर जाकर उन्हें प्यार और सम्मान दिया। अटल जी का जाना सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। अटल जी ने 16 अगस्त की शाम 5:05 पर एम्स में आखिरी सांसें ली। पिछले 36 घंटों में अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। काफी प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। देश के महान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री और एक जननेता अटल जी को इंडिया न्यूज वायरल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।